नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी देश भर में सत्यमेव जयते आंदोलन चलाएगी, तो वहीं दूसरी ओर भगौड़े ललित मोदी ने राहुल को ब्रिटेन कोर्ट में घसीटने की धमकी दी है, जिसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी चर्चाओं में बने हुए हैं। राहुल के रोल पॉलिटिक्स पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कहते हैं कि सियासत में सम्राट बनने के लिए हर कदम फूक फूक कर रखना चाहिए, लेकिन राजनेता अति उत्साह या कहें ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे वो विपक्ष के निशाने पर तो आते ही हैं, साथ ही उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हुआ। मोदी सरनेम पर दिए गए बयान के बाद राहुल की न सिर्फ सदन सदस्यता रद्द हुई, बल्कि उन्हें अपना सरकारी आवास तक खाली करना पड़ा, जिसके बाद राहुल के सपोर्ट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेता भी देखे गए। अब कांग्रेस राहुल पर हुई कार्रवाई के विरोध में पूरे देश भर में 5 अप्रैल से सत्यमेव जयते नामक आंदोलन चलाएगी। खास बात यह है कि राहुल कर्नाटक के उसी कोलार स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जहां से उन्होंने 4 साल पहले मोदी सरनेम पर बयान दिया था। राजनीति के जानकारों के मुताबिक इसकी 2 वजह है। एक तो इसी साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस सिंपैथी वोट पाकर राज्य में खोई जमीन हासिल करना चाहेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो बीजेपी के ही खेल में उसे मात देने का दम रखती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मेरा घर आपका घर कैंपेन शुरू कर दिया है। इसके तहत राहुल के समर्थक सोशल मीडिया पर अपने अपने घरों की फोटो डाल रहे हैं और लिख रहे हैं मेरा घर राहुल गांधी का घर। एक तरफ राहुल के समर्थन में लोग हैं, तो वही आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और फाउंडर रहे भगोड़े ललित मोदी ने राहुल को ब्रिटेन की कोर्ट में घसीटने की धमकी दी है। दरअसल ललित मोदी ने ट्वीट कर खुद को भगोड़ा कहने पर आपत्ति जताई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल के इस अभियान से कांग्रेस पार्टी में नई जान, कार्यकर्ताओं में नया जोश आता है, या 7 समंदर पार बैठे ललित मोदी भी राहुल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।